जॉन विक का ट्रेलर 2 रिलीज हो चुका है। तो भाई क्या था यह, एकदम अनबिलीवेबल ट्रेलर है भाई। 30 सेकंड का ट्रेलर है, 15-20 मिनट आपको कोई कंजर्वेशन सुनने को मिलते, बाकी सारा एक्शन ही देखने को मिलता है भाई। आज से 3 महीने पहले एक ट्रेलर आया था, तो उसमें थोड़ी बहुत झलकियां हमें दिखाएगी एक्शन सीन की, लेकिन इस ट्रेलर में भी भर भर के हमें एक्शन सीन्स दिखाया गया भाई। पिछली मूवी में हुआ यह था कि विंस्टन ने हमारे भाई को गोली मारी थी, तो वो उसकी मजबूरी थी, यानी कि वो सर में गोली मार सकता था, लेकिन उसने बॉडी आर्मर सूट में मारी कि जॉन विक बच जाएगा। मूवी में जो विलन होने वाला है वो डोनी येन होने वाला है, तो उसका एक एक्शन सीन हमें दिखाया गया जो कि बहुत ही कमाल का भाई, और टक्कर की भाई फाइट होने वाली है उसकी जॉन विक से। बंदा कास्ट में देखा था स्कॉट एडकिंस, 3 महीने पहले भाई जो ट्रेलर आया था मेरे को कहीं पे दिखा नहीं था, बाकी ये जो ट्रेलर आया तो इसमें भाई दिखाया गया उसको, पता नहीं क्या किया भाई, मोटा बना दिया और बोल रहा है बाबा यगा भाई। मैं इस दफा जो कि फाइट सीन लग रहे थे एकदम यूनिक, ये नहीं कि पिछली मूवीज की तरह ही भाई कुछ चलने वाला है, इस बार एकदम और धमाल होने वाला है। आपको पता ही है कि नीचे से फाइट करना मुश्किल होता है, कोई ऊपर सीढ़ियों पर है, तो वो काफी धमाल का सीन था। हाई टेबल जॉन विक का पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाला है इसमें, अब कोई हाई टेबल का न्यू बंदा आया जो बोल रहा है कि जॉन विक अगर तूने ये मिशन पूरा कर दिया तो हम तुझे फ्रीडम दे देंगे। मेरे को नहीं लगता कि ये जॉन विक को फ्रीडम देने वाले हैं। पिछली मूवी में आपको बताइए रेगिस्तान में जिस शेख ने इसकी उंगली काटी थी, रेगिस्तान में देखा होगा कि जॉन विक वहां पर भी गोलियां चला रहा है, तो वहां पर सब जो गुंडे होते हैं उनको मार डालता है और शेख पर भी पिस्तौल तान के खड़ा होता है, तो मेरे को लगता है कि वो भी भाई मरने वाला है। और इस दफा बवाल होने वाला है भाई, ट्रेलर एकदम मज़ेदार था। इस सेकंड ट्रेलर के एंड में एक जो सीन बनाया गया भाई, कारें दौड़ रही हैं और बीच में फाइट सीन्स हो रहे हैं, एकदम धमाल लगा मेरे को देखने में भाई, मज़ा आ गया, लिटरली कमाल हो गया भाई। और मूवी की जो लेंथ होने वाली है 2 घंटे 54 मिनट होने वाले, ऑलमोस्ट 3 घंटे गया, तो 3 घंटे में हमें कमाल देखने वाला है। और 2 ट्रेलर आपने देखे होंगे, ये दोनों ट्रेलर इस मूवी की हाइप ही क्रिएट करते हैं, कुछ भी आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जॉन विक एक वाहिद फ्रेंचाइज है जिसमें आपको इन मूवीज में थोड़ा बहुत इमोशन भी देखने को मिलता है भाई, जो कि एक्शन मूवीज में मिसिंग होता है, जैसे कि जैसन सथम की मूवीज कुछ बनाई गई हैं। तो भाई जॉन विक एकदम परफेक्ट कास्टिंग है, क्या बंदा लिया है भाई कीन्यू रीव्स, धमाल। और कीन्यू रीव्स ने कहा कि भाई इस दफा का जो मेरा रोल था ना, ये सबसे ज़्यादा फिजिकल मुश्किल था पिछली जॉन विक मूवी से, तो आप समझ ही सकते हैं, और वो मेरे को नज़र आ रहा है भाई जिस तरह का ट्रेलर बनाया गया है। तो आपको कैसा लगा ट्रेलर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म, तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को कर लो सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।